अगला। मैं राजू कुमार सिंह इस बार आप लोगों के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताते हैं इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों ही इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है और ये तीनों विषय के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं इतिहास में कुछ प्रमुख युद्धों और लड़ाइयों के बारे में बताऊंगा। बाबर के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा हरगना के शासक थे। बाबर भारत में धन प्राप्ति के लिए आया था और बाबर को यहाँ पे बुलाया, राणा सांगा ने बुलाया था यहाँ पे। बाबर ने चार प्रमुख युद्ध लड़े, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी में और चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में। उसके बाद हुमायूं ने चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जो 1539 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध के बाद होता है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। उसके बाद अकबर ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थी, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने बहुत ही बहादुरी के साथ अकबर का सामना किया था। उसके बाद शाहजहां हुआ, शाहजहां ने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। उसके बाद दारा सिको और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिको की पराजय हुई थी और औरंगजेब विजयी हुआ था। इस तरह से आपका एक और महत्वपूर्ण युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। और इसमें ही एक महत्वपूर्ण स्थापना होती, जैसे गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश और उसके बाद आपका होता है सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में था संस्थापक उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की स्थापना की थी। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान मध्यकालीन इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह सब आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और उसके